तो मुझे ये बताओ, गालियाँ कहाँ से सीखी हैं? देखो गाली है क्या, अभी हमारे नेशनल टीम का कैप्टन लाइव कैमरे पे देता है तो लोग करते हैं अरे वाह बहुत बढ़िया है ना। बेस्ट इज लाइक इज गुड, फील आती है ना, तब इसको बीप करना पड़ेगा नहीं तो मैं तो झेल जाता हूँ। बस गाली अगर कम हो जाए तो, नहीं तो कोई नहीं। आप ही दिलवा रही है मेरे से, मैं तो देता ही नहीं हूँ। मतलब ये बदला लिया जा रहा है मीडिया हाउसेस से। मैं तो कहता हूँ कभी कभी पिला के भी बिठाओ न्यूज़ एंकर को, देखो क्या निकल के आता है अंदर से। मस्त मेरे दिल में भी कई चीजें हैं जो बोल दूँ तो अगले दिन मैं जेल में रहूँगा। देखो डर तो मुझे भी लग रहा था लेकिन हाँ अभी बातचीत हो रही है तो बहुत कूल है ये, ऐसे ही बोलना था ना। हाँ पैसे नीचे। इनिशियल डेज में बड़ा बेइज्जती किया था कि अरे फलानवा के लड़का साला ये देखो गाली गलौज कर रहा है रोड पे। अच्छा मास्क और थप्पड़ से कितना प्यारा है आपको? हमारा भी कमरा था वैसा, हाँ। बस रशियन नहीं थी। तो मैं सोच रहा हूँ मतलब कि क्या है, डॉली चाय वाला को देख लो, इतनी वीडियोस उस पर बनी है, सीएम पी रहे हैं, बिल गेट्स आ गया। मतलब अभी तक उन्हें पता नहीं चला होगा, अब वीडियो देख के शायद पता चल जाए उस पुलिस वाले को। तो वो कह रहा है चूतिया। मेरे से लोग ना इस तरह से इतना वो करते हैं, स्टोरी लगा देना या अपनी कोई पर्सनल वीडियो जिसमें वो हीरो बन रहा है। बाकी यार हम किसी पे गोली तो चला नहीं रहे। गोली चलाई वीडियो में। इंटर्नशिप करना धाकड़ न्यूज़ नेटवर्क में है ना। इस इंटरव्यू में मुझे बहुत मजा आया, शुक्रिया। पहले तो मुझे ये बताओ गालियाँ कहाँ से सीखी हैं? गालियाँ इसका लंदन जाके कोर्स किया था मैंने। कौन सा कोर्स होता है? देखो गालियाँ सब देते हैं ना, सब देते हैं, सबको आती भी है। हमने मोनेटाइज कर लिया। लेकिन आपकी फेवरेट गाली क्या है? बेस्ट इज लाइक इज गुड, ये फील आती है ना, है ना? फील आता है। बट अब इसको बीप करना पड़ेगा नहीं तो मैं तो झेल जाता हूँ। मुझे जानना है ये धाकड़ न्यूज़ का फाउंडेशन जो है ये शुरू कहाँ से हुआ? कुछ ना कुछ बोल ही दिया जाता है कि ये रिपोर्टर यहाँ का फलाना ढिमकाना, तो बदला ले रहे हो कोई पर्सन? मैंने रात में सोचा था, रात में एक दिन में सो रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, उसी टाइम मैंने सोचा कुछ इस तरह का किया जाए और मीडिया वाला भी मतलब हाँ करते तो जो मैं मतलब दिखाता हूँ ना इधर फिक्शनल में, हाँ। उधर असली में हो रहा है। आपने देखा एक रिपोर्टर वो पे कोई न्यूज़ दे रहा था, हाँ। क्या लास्ट में वो बोलता है क्या होता है लाइव टीवी लाइव और दारू पी के लोग आ जा रहे हैं न्यूज़ एंकर। लेकिन बहुत सारे लोग ना सच में आपकी तरह करना चाहते हैं। जाता था जब कोविड का टाइम चल रहा था वैसा कि आप जो कर रहे हो ना हमारी भी इच्छा है कि हम भी ऐसा मारें, कभी कभी तो अपने सीनियर को ही मार दें, बट मैंने कहा सब ऐसा नहीं कर सकते ना, हाँ। हमें प्रिविलेज है थोड़ी। मैं तो कहता हूँ कभी कभी पिला के भी बिठाओ न्यूज़ एंकर को, देखो क्या निकल के आता है अंदर से। मस्त मेरे दिल में भी कई चीज़ें हैं जो बोल दूं तो अगले दिन मैं जेल में रहूंगा। बड़ा पाव वाली वीडियो मैंने देखी। बड़ा पाव असल में खाया है आपने? वो वाला मतलब कौन सा? वो वाला असली वाला बड़ा पाव खाया है? नहीं, इतना पेशेंस तो नहीं है कि मैं लाइन में लग के और 50 रुपए दे के वो खाऊं, इतना नहीं। लेकिन ट्राई करना तो बनता था, वीडियो से पहले तो ट्राई कर लेते। 50 रुपए में कौन खाता है यार? मैं मुंबई में रहा हूँ 10, उस समय तो 8 रुपये 10 रुपये में मिलता है, अभी भी 15 के नीचे मिलता है जो ओरिजिनल है, जो डुप्लीकेट में 50। तो वो तो कह रही थी कि मुंबई से भी अच्छा वड़ा पाव है मेरा। हाँ। मैं सोच रहा हूँ मतलब कि क्या है, डॉली चाय वाला को देख लो, इतनी वीडियोस उस पर बनी है, सीएम पी रहे हैं, बिल गेट्स आ गया हैं। मतलब हम किसी को बुलाते तो उसे मतलब मौत आती है इधर आने में, और बिल गेट्स जाके मिल रहा है डॉली चाय वाला से। तो कुछ भी हो सकता है आजकल, एनीथिंग कैन हैपन। घर वालों का क्या रिएक्शन था? उन्हें तो लगा शुरू में यार पगला गया साला, मतलब अभी भी मतलब लगता है कि सही में तो नहीं जाके मारपीट करता है ये था। तो गालियों के लिए ओके थे कि दे गालियाँ जितनी देनी? गालियाँ तो मैंने वही बताई ना, देखो गाली है क्या, अभी हमारे नेशनल टीम का कैप्टन लाइव कैमरे पे देता है तो लोग करते हैं अरे वाह बहुत बढ़िया है ना। देखो एक्सप्रेशन है, गालियाँ हमारे इमोशन का एक्सप्रेशन है, जब दुख दर्द पीड़ा कष्ट को हम ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो उसके लिए वो गालियाँ हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा समाज का पार्ट है, देते सब हैं, हाँ। कैमरे के सामने इधर उधर, लेकिन कैमरे के सामने देने की हिम्मत आपने की, हाँ। अच्छा मास्क और थप्पड़ से कितना प्यार है आपको? उस समय था माहौल यही था, मास्क और लोग जो, हाँ। नहीं मारने दे तमाचा दो, अभी थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर दिया है, जो और भी चीज़ों में गलत चीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी ले लपड़। अच्छा, कभी ऐसा सीरियस कोई ऐसा भसड़ हुई है कि यार कोई देख रहा है थर्ड पर्सन और आपने जिन लोगों को हायर किया है थप्पड़ खाने के लिए उनको आप थप्पड़ मार रहे हो और कुछ अलग भसड़ हो गई हो फील्ड पे? हुआ है। एक वीडियो था मेरा भिखारी पर बनाया था जिसमें लास्ट में ये होता है कि कोई एक दिव्यांग व्यक्ति है, वो नकली दिव्यांग है, तो इस तरह से भसड़ हो जाती है, लास्ट में मारपीट। तो ऐसा हुआ ना तो लोग आ गए छुड़वाने, उन्हें लगा कि असली में मारपीट हो रहा है, वो दौड़ के आ गए थे छुड़वाने। तो ये जब लाइव होता है ना लोकेशन पे, अब तो उतनी प्रिविलेज नहीं है कि कहीं भी खड़े होकर रोड पे कर सके, लोग थोड़ा पहचान लेते हैं। जब पहले इनिशियल डेज था तो कहीं भी रोड पे कर देते थे हम, तो लोगों को लगता था कि सही में हो रहा है। और एक जब मैं लॉकडाउन में शूट कर रहा था, अनलॉक 1 था, तो मैं ऐसा माइक लेके शूट कर रहा हूँ तो पुलिस की एक गाड़ी गुजरी, तो मैंने अपना स्क्रिप्ट ही चेंज कर दिया ऑन द स्पॉट। मैं ऐसे मतलब जो मेरा गाली गलौज में कर रहा था, जैसे ही पुलिस की गाड़ी आई मैंने वो चेंज कर दिया कि आज के हमारे समाचार देखिए इस प्रकार है जो लाइव। तो पुलिस ने देखा, उन्हें अरे सही सीरियस रिपोर्टर है, हाँ, और चले गए। तो इस तरह की चीज़ें होती है। मतलब अभी तक उन्हें पता नहीं चला होगा, आप वीडियो देख के शायद पता चल जाए उस पुलिस वाले को। तो अभी बोल रहे होंगे जूस वाली दुकान थी, वो कह रहा था मेरे कहाँ बनाई है। मैंने कहा बेटा मैं बनाता हूँ तो उसकी मारता हूँ, मैं बनाऊंगा तेरा जूस पी के लोग मर रहे हैं। तो कह रहा फिर मत बनाइए। तो इस तरह से इनोसेंट लोग होते हैं, उन्हें भी मज़ा आता है। और मैं जो मोस्टली एक्टर हायर करता हूँ तो प्रोफेशनल कम ही लोग होते हैं। अभी तो इधर जब इधर की वीडियो तो उसमें थिएटर के लोग होते हैं, बाकी जब गांव वगैरह में किया तो गांव वाले ही होते हैं, लुंगी खोला लुंगी पहना आ गया मस्त। लेकिन गांव में अगर जैसे ये होता है ना कि आप अगर आए होंगे दिल्ली यूपीएससी की तैयारी के लिए आए थे आप, तो लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा बच्चा गया है। चाइना मैं समझ गया आपकी बात, जब नहीं चला था बड़ा बेइज्जती किया था लोगों ने, मतलब इनिशियल डेज में बड़ा बेइज्जती किया था कि अरे फलानवा के लड़का साला ये देखो गाली गलौज कर रहा है रोड पे। तो ये चीज़ें मैंने झेली है और अब जब चला तो वही लोग कहते हैं कि ये मेरे गांव का है। बाकी यार हम किसी पे गोली तो चला नहीं रहे, गोली चलाई वीडियो में। देखो डर तो मुझे भी लग रहा था। लेकिन हाँ अभी बातचीत हो रही है तो बहुत कूल है ये, ऐसे ही बोलना था ना। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल पैसे मिल जाएंगे नीचे से। यूपीएससी की तैयारी का ख्याल कैसे आ गया? मतलब हम तो दूर दूर तक नहीं सोच पाते। नहीं यूपीएससी सच में हमारे घर में वही बम्बू दे दे के भेजा जाता है, जाओ सरकारी नौकरी लो। हम लोग जो माइंडसेट रहता है ना कि फिक्स हो जाए, एक इनकम फिक्स हो जाए ये सब, और एक पावर का भी जो होता है तो वही। और पहले भी मैंने बोला है 2-3 चीज़ें बन सकते हैं, गैंगस्टर, नेता और यूपीएससी। तो गैंगस्टर और नेता का ख्याल क्यों नहीं आया? इसमें बड़ा अलग लेवल का चीज होता है इन सब चीज़ों के लिए, जो उतना मैं हूँ नहीं। मतलब आपको अभी और लेवल्स क्रॉस करने हैं उस के, या अभी मैं ठीक हूँ यहाँ जाऊँ ना ठीक हूँ जहाँ ठीक है, मतलब इससे आगे बढ़ना नहीं है इसमें। ऐसा कि मतलब एक धाकड़ वाली जो चीज़ है ना इधर कि अपने आप जो हो चल रहा है वहाँ पे, अपने में गैंगस्टर भी इधर ही पूरा हो गया। हाँ वो भी पूरा हो ही रहा है। तो अच्छा जब छोड़ा यूपीएससी की नहीं यार अब एक डिसीजन हो गया नहीं कर रहे अब यूपीएससी, घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों को शुरू में बताया नहीं था और कुछ महीने ऐसे ही चले, फिर घर गया, फिर उन्हें पता चला। तो ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि मारपीट हो गई बियर्ड सा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता कि लाइक क्या है। उन्हें लगता है जो हमारे घर पे जो कम पढ़े लिखे हुए माँ बाप होते हैं उन्हें लगता है कि जो डिसीजन लेगा सही लेगा। फिर बीच में गालियाँ पड़ रही थी जब वीडियो बना रहा था और कुछ नहीं हो रहा था तो पढ़ रही थी, फिर एवरीथिंग सब ठीक। यूपीएससी खुद करना और फिर यूपीएससी एस्पिरेंट के कमरे में घुस जाना। देखो कभी हमारा भी कमरा खुद को रखा था वहाँ पे, कभी हमारा भी कमरा था वैसा हाँ। बस रशियन नहीं थी तो रशियन खलीफा थी नहीं, मिया खलीफा भी का अच्छा पोस्टर जो हटाया था। हमारी वो फैंटेसी होती है जैसे जो यूपीएससी वाले हैं मतलब उनकी फैंटेसी होती है कि अरे आज बुलाएं क्या आज, वो बुलाते साले कभी नहीं है लेकिन ना रूम पे 4 को बैठ के ना ये सब बातें करते हैं। तो मैंने उसी बातों को ना मतलब वो चीज जगा देते हैं पहले अंदर से हाँ, कि मंगाएंगे हाँ, ये सब चीजें करते हैं वो उसी चीज को मैंने दिखा दिया कि देख ये जो रिएक्शन दे रही थी। बाकी हाइड होंगी हमें नहीं दिखाई गई है गाइस, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और अगली बार नई गालियों के साथ बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब मैंने पहले भी बोला, भी बोल रहा हूँ, इस इंटरव्यू में मुझे बहुत मज़ा आया, शुक्रिया। और जैसा ऑडियंस देखना चाहती है मुझे, हाँ, शायद मैं कुछ % वैसा रह पाया हूँ इस इंटरव्यू में, बहुत कैंडिड, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच इशिता, थैंक यू।